जिला रोजगार कार्यालय द्वारा स्थानीय आईटीआई में मंगलवार को एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में एडीसी डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रोजगार मेले में विभिन्न कंपनियों द्वारा 45 प्रार्थियों का चयन किया गया। रोजगार मेले में एडीसी हरीश कुमार वशिष्ठ ने प्रार्थियों को स्किल वर्क बेस अपनाने की सलाह दी ताकि सब रोजगार के साथ साथ रोजगार भी उत्पन्न कर सके। उन्होंने कहा कि युवा सरकारी नौकरी के पीछे ना भागे और सब रोजगार अपनाएं। एडीसी ने प्रार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए विस्तार से जानकारी दी। सर, हम 10 कंपनियों को बुलाया है यहाँ पे रोजगार मेले के लिए, जिसमें आईटीआई से रिलेटेड है और सिंपल जैसे कि नव भारत कंपनी होगी जो कि फर्टिलाइजर का काम कराते हैं, देन इंश्योरेंस सेक्टर से बुलाई गई है। सर, बेनिफिट तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है ना, वो जितना टाइम जितनी अच्छे से जितनी मेहनत करके काम करेंगे उसी तरह से उनका मतलब एक तरह से इंसेंटिव उनको ज्यादा मिलेगा। तो मैम, क्या रोजगार आगे भी लगता है, रोजगार की तरफ मिलेगा क्या जी? रोजगार कार्यालय की तरफ से आगे भी प्रकार की मिलेगा जी? रोजगार विभाग द्वारा टाइम टू टाइम समय समय पर इस तरह के मेगा जॉब फेयर भी, प्लेसमेंट ड्राइव भी साथ के साथ लगा चलते रहते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? डॉक्टर कविता। बच्चों को यही मोटिवेट किया है कि केवल एक गवर्नमेंट जॉब में जॉब के लिए ना पीछे पड़े रहे। वो जितने भी एरियाज हैं, ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, ग्रे कॉलर जॉब्स हैं, पिंक ऑरेंज कॉलर जॉब्स हैं, उनको भी एक्सप्लोर करें और सीखने के लिए शुरू में जॉब करें। जितना सीखते जाएंगे, अपने आप को ब्रशअप करते जाएंगे, उतना ही वो आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें बड़ा उज्ज्वल भविष्य है बच्चों। ये हमने मोटिवेट किया है कि हमेशा अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते जाएं, और जो व्यक्ति अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता है उसका भविष्य हमेशा उज्ज्वल है। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनलों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे आए और इस न्यूज़ को जो है स्प्रेड करने में, फैलाने में आपने बहुत बहुत हमारा साथ दिया है। इसमें सर तकरीबन 250-300 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है और तकरीबन जो है 13-14 जो है कंपनियां हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और उम्मीद कर रहे हैं। मैं जितने भी जॉब फेयर लगाते हैं वन बाय वन और डे बाय डे हम प्रोग्रेसिव वे में चल रहे हैं और धीरे धीरे इसको और ज़्यादा बढ़ावा देंगे आपके माध्यम से, स्टूडेंटों के माध्यम से, इस्टेब्लिशमेंट के माध्यम से हम इनको जो है एक मुकाम पर लेके जाएंगे।